हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और स्वागत है आपका बनारसी जायका में। दोस्तों, आम का सीजन है और आम सबको बहुत पसंद भी आते हैं, तो क्यों ना आज हम कुछ नया ट्राई करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं मैंगो कस्टर्ड सेवई। नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। आपने सेवई तो बहुत बनाए होंगे, लेकिन आज इस तरह से सेवई बनाइए, सबको खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएंगे। और ये घर के ही सामान से बनकर तैयार हो जाएगा, बाहर से कुछ भी मंगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मैंगो कस्टर्ड सेवई। तो इसके लिए मैंने 100 ग्राम के बराबर सेवई ली है। ये मैंने मोटी वाली सेवई ली है और साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने काजू किशमिश और चिरौंजी लिए हैं, दो छोटे छोटे चम्मच। और साथ ही एक पैन में जो है कि हम दो चम्मच शुद्ध घी डालेंगे, यूज़ करेंगे। आप चाहें तो यहाँ कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर जो है कि बहुत ही अच्छा आता है। तो घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें चिरौंजी और काजू को हम रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। किशमिश साथ में नहीं डालेंगे, क्योंकि किशमिश अगर पहले डाल देंगे तो उसके जलने का डर रहता है। आप यहाँ पर अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, 1 से 2 मिनट के बाद जो है कि काजू का कलर चेंज होने लगा है। तो अब इस स्टेज पर जो है कि हम यहाँ पर किशमिश को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने किशमिश भी ऐड किया और इसे भी जो है कि लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए हम भुनेंगे। ये बहुत जल्दी फूलना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, किशमिश इस तरह से फूल गए हैं। बस तुरंत अब हम इसे निकाल देंगे, वरना नहीं तो ये जल जाएंगे। तो फटाफट इसे जो है कि हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो यहाँ देखिए, हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लिया, अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसी पैन में जो है कि घी बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा घी की यूज़ हमें नहीं करनी है। तो इसी बचे हुए घी में ही जो है कि हम ये अपने सेवई को अच्छे से रोस्ट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसे लगातार चलाते हुए जो है कि हमें भुनना है, रुकना नहीं है, नहीं तो ये कढ़ाई में जो है कि नीचे से चिपक जाएंगे या फिर काले हो जाएंगे और सेवई का टेस्ट जो है कि ख़राब हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि लगातार चलाते हुए इसे हमें भुनना है, एकदम सुनहरा होने तक। आप चाहें तो यहाँ पे मार्केट में भुनी हुई सेवई भी मिलती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये सेवई थी तो मैंने इसका यूज़ किया है। तो इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक हम लगातार भुनेंगे और उसके बाद जो है कि इसका हम प्लेट में निकाल के इसे हम ठंडा करेंगे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए, इसका लगभग कलर चेंज हो गया, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो बस अब इस स्टेज पे हम जो है कि इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से हो चुका है। साथ ही दूसरी तरफ मैंने 1 लीटर दूध जो है कि बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये फुल फैट मिल्क है। आपके पास अगर पैकेट वाला दूध है, जो भी दूध आता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है कि मैंने सेवई को इसमें ऐड कर लिया है और ध्यान देंगे कि सेवई ऐड करते ही इसे हम तुरंत चलाना शुरू कर देंगे लगातार, नहीं तो ये तली में बैठ जाएंगे और इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो हमें बस 4 से 5 मिनट तक इसे लगातार चलाते रहना है। इसे उबालना है मीडियम फ्लेम पे, बहुत तेज़ आंच पर भी इसे हमें नहीं उबालना है। जब तक ये उबल रहे हैं, दूसरी तरफ हम तैयारी करते हैं। तो मैंने एक बाउल में जो है कि 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है और आप चाहे तो इसके जगह पे आरारोट या कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। सेम काम करेगा, बस टेस्ट इसका जो है कि इसमें वनीला का आएगा, बाकी में नहीं। तो इस तरह से जो है कि इसे मैंने ले लिया है एक बाउल में। अब इसमें जो है कि 1/2 कप हम दूध यूज़ करेंगे। दूध ध्यान रहे गर्म नहीं रहना चाहिए। तो ये ठंडा दूध है, इसे मैंने मिक्स किया और चम्मच की सहायता से ही जो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। तो ये देखिए, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी सेवइयाँ लगभग पक चुकी हैं। ये किनारे पे मलाई जो लग रहा है, इसे भी हम खुरसते चलेंगे, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो बस अब हमें क्या करना है, हमने जो इसमें चीनी ऐड करना है, 4 से 5 बड़े चम्मच, आप अपने पसंद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो है कि मैंने ये जो घोल तैयार किया हुआ है उसे ऐड करूँगी। ऐड करने से पहले जो है कि एक बार चम्मच से वापस इसे मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये जो है कि तली में जाकर बैठ जाते हैं। तो मिक्स करने के बाद जो है कि अच्छे से अब इसे जो है कि सेवई में हम ऐड करेंगे और इस बात का ध्यान देंगे कि इसे लगातार तुरंत चलाएंगे, बिल्कुल रुकना नहीं है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ जो है कि एकदम लम्स पड़ जाएंगी। आँच हमारी धीमी रहेगी, इस बात का भी ध्यान दें, तेज आँच पर बिल्कुल भी इसे ऐड ना करें और लगातार इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाएगा। और 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाने के बाद जो है कि सेवइयाँ अपने आप जो है कि गाढ़ी होनी शुरू हो जाएंगी।
इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, एक से दो मिनट के बाद जो है कि गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। बस अब इस स्टेज पे जो है कि हमें गैस को ऑफ कर देना है और ये जैसे जैसे ठंडी होंगी अभी और भी गाढ़ी होती चलेंगी। तो ये देखिए हमने गैस को ऑफ कर दिया। अब इसमें जो है कि बारी बारी हम सामान ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है कि हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखा था उसे ऐड करेंगे। ये हमेशा ध्यान दें कि ड्राई फ्रूट में अगर आप किशमिश यूज़ कर रहे हैं तो गैस ऑन करके कभी भी ड्राई फ्रूट ना डालें, नहीं तो सिवई या खीर जो भी आप बनाएंगे वो फट जाएंगे। तो गैस ऑफ करने के बाद ही आप इसे यूज़ करें। ये जो है रेसिपी आप चावल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, सिवई की जगह आप चावल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है कि 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डाला है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो डालें या फिर ना डालें, लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही यहाँ पे जो है कि मैंने इसे अच्छे से लगातार घुमाते रहिए, जैसे कि जैसे जैसे ठंडा होगा ना तो इस पर मलाई की परत जमने लगती है, तो वो परत ना जमे इसलिए ठंडा होने से पहले गैस ऑफ करने के बाद भी 2 से 3 मिनट के लिए इसे आप लगातार चलाते रहिए। अब यहाँ पर जो है कि मैंने केसर के धागे कुछ मतलब दूध में भिंगा कर रखे हुए थे, इसे भी ऐड कर लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ करें या फिर ना करें, इससे भी इसका टेस्ट जो है कि बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे हमें पूरी तरह से ठंडा होना देना है। अब यहाँ पे आपके पास जो भी आम हो, 2 मीठे आम लीजिए पके हुए और उसे जो है कि छीलने के बाद इसका आप पल्प निकाल लें। ये याद रखें, ज़्यादा मीठा है तो 1 आम यूज़ करें, कम मीठा आम है तो 2 आम यूज़ करें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसका जो है कि पल्प मैंने जो है कि निकाल लिया है, इसकी प्यूरी बना ली है। अब इस प्यूरी को जो है कि हमें सिवई में ऐड करना है। कभी भी गर्म सिवई में आम आप ऐड नहीं करिएगा, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जब तक कि सिवई पूरी तरह से ठंडी ना हो जाए उसमें आप आम ऐड नहीं करिएगा। तो ये देखिए हमारी सिवई जो है कि अच्छे से एकदम ठंडी हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पर जो है कि हम इसमें आम की प्यूरी जो है ऐड करेंगे। अगर आप आम ज़्यादा डालेंगे तो थोड़ा चीनी कम ऐड करिए, ठीक है, और अगर चीनी ज़्यादा है तो आम कम ऐड कीजिए, वो मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हमारी सिवई एकदम बनकर तैयार हो चुकी है, मैंगो कस्टर्ड सिवई। अब इसे क्या करना है, हमें सर्व करना है। तो चलिए इस फटाफट इसको हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल में मैंने जो है कि इसे सर्व करना शुरू किया है। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एकदम अमेजिंग टेस्ट लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। एकदम क्रीमी मलाईदार इसका टेक्सचर है, बहुत टेस्टी लगते हैं। आपके घर मेहमान हैं या आप ऐसे ही घर पे बनाइए और सबको खिलाइए, ये सबको बहुत ही पसंद आएंगे। मैंगो का सीज़न है तो लोग बार बार आपसे बनवा कर ज़रूर खाएँगे, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, मेरी ये रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट किए थे, कुछ बचाए हुए थे, उसे इसे यहाँ पे गार्निश कर दिया। आप चाहे यहाँ पे पिस्ता बादाम से भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप गार्निश कीजिए, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अब देखिए मैंने आज सिवई के साथ ही यहाँ उड़द दाल की पूड़ी और हलवा स्टाइल में बिल्कुल सब्जी बनाई थी, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये तीनों ही रेसिपी एकदम बहुत ही कमाल की बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये सब्जी बिल्कुल बिना लहसुन प्याज की है, इसे आप आराम से भी बना सकते हैं, बिल्कुल हलवाई जैसी है बनी है, ट्राई ज़रूर करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय बाय।